हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 10 तक की स्टोरी मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में टांगसन उस परछाई के बारे में सुनकर उसे एक स्पिरिट मास्टर बताता है, पर अभी भी इनको एक डाउट होता है कि वो परछाई होंगजुन का पीछा क्यों कर रही है। अब ये तीनों उस परछाई को पकड़ने का कहते हैं। इस पर होंगजुन कहता है कि वो परछाई नहीं, मेरे फादर हैं। टांगसन होंगजुन से उसके फादर के परछाई बनने का कारण पूछता है, तो होंगजुन कहता है कि आग वाले इंसिडेंट के टाइम मैं सो रहा था, जब मेरी आंखें खुली तो मेरे फादर उस परछाई में कन्वर्ट हो गए थे। विलेज चीफ ने मुझे वहाँ से रेस्क्यू किया। मैंने अपने फादर को बहुत आवाज़ लगाई, पर उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे कि वो मुझे पहचानते ही नहीं है। विलेज चीफ ने मुझे तुमसे छुपने को कहा था। उसने मुझसे कहा था कि तुम लोग मेरे फादर को मार दोगे। अब टांगसन और बाकी सब होंगजुन के फादर को ठीक करने को कहते हैं। होंगजुन भी उनके साथ चलने का कहता है। अब ये चारों यानी टांगसन, बाई, चिंग और होंगजुन वापस उसी डायमेंशन में आते हैं। यहाँ शावू और लियेना भी छुपकर इनका पीछा कर रही होती है। अब हम ओसीके को देखते हैं जो स्टोरी लिख रहा होता है। तभी विलेज चीफ उसके पास आता है। ओसीके उसे डायमेंशन के बारे में बता देता है, जिसके बारे में सुनकर चीफ एक मेडिसिन ड्रिंक में मिलाता है और ओसीके को दे देता है। ओसीके जैसे ही ड्रिंक करता है तो वो बेहोश हो जाता है। इधर वो परछाई इन चारों के सामने आती है। भाई उस पर अटैक करता है, जिसके बाद चिंग और टांगसन भी उसका साथ देने लगते हैं। इन तीनों के अटैक का ही उस परछाई पर कोई इफेक्ट नहीं होता। टांगसन फाइट करते टाइम कुछ सोचकर रुक जाता है और उस परछाई को बचाने लगता है। इतने टाइम में विलेज चीफ वहाँ आ जाता है और होंगजुन को वहाँ से लेकर चला जाता है। होंगजुन कहता है कि वो लोग मेरे फादर की हेल्प कर रहे हैं, मुझे भी वहाँ पर जाना है। इस पर विलेज चीफ कहता है कि वो लोग तुम्हारे फादर को पकड़ने आए हैं, ना कि बचाने। विलेज चीफ ओसीके और होंगजुन को लेकर उस डायमेंशन के एक घर में आता है। यह घर होंगजुन के घर जैसा ही होता है, पर इसके बाहर एक बैरियर लगा होता है। विलेज चीफ होंगजुन को घर के अंदर जाने को कहता है। होंगजुन डरते डरते उस बैरियर के अंदर चला जाता है। चीफ भी उसको लेकर उस घर के अंदर जाने लगता है। तभी लियेना उसे पंच मारकर बेहोश कर देती है। वो भी उस घर में जाने लगती है तो शावू उसे रोक देती है। इधर बाई टांगसन से पूछता है कि तुम उस परछाई को क्यों बचा रही हो। इस पर टांगसन कहता है कि ये परछाई हम पर अटैक नहीं कर रही है, हम इस पर अटैक कर रहे हैं। आज भी तुमने ही पहले इस पर अटैक किया था, तभी इसने हम पर वापस अटैक किया है। अब वो परछाई वहां से जाने लगती है। टांगसन कहता है कि इस विलेज में बहुत सारी मुर्गियां हैं और उनमें से एक का भी फैलाया कचरा यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि वो सारी मुर्गियां स्पिरिट है, वो सब हम पर नजर रखे थी। अब टांगसन, बाई और चिंग उस परछाई का पीछा करने लगते हैं। इधर श्यावू लियेना से घर के अंदर जाने से मना करती है। लियेना कहती है कि इस घर में एक स्पिरिट है, मैं बस उसे देखना चाहती हूँ। श्यावू भी उस घर में देखती है तो वहाँ होंगजुन के सामने एक मुर्गी होती है, जिसकी पूरी बॉडी फायर वाली होती है। लियेना कहती है कि यह मुर्गी फायर को कंट्रोल कर सकती है, इसका मतलब है कि यह मुर्गी एक फोनिक्स बर्ड है। शावू कहती है कि यह स्पिरिट होंगजुन को हार्म क्यों नहीं पहुंचा रही है। इस पर लियेना कहती है कि शायद यह होंगजुन की स्पिरिट है। तभी टांगसन, बाई और चिंग भी उस परछाई के साथ वहां आ जाते हैं। अब तक चीफ को भी होश आ चुका था। वो पूछता है कि क्या होंगजुन इस घर में है। इस पर शावू कहती है कि उसके साथ एक मुर्गी भी है, जिसकी पूरी बॉडी पर फायर है। यह सुनकर चीफ हंसने लगता है। बाई कहता है कि वो मुर्गी जरूर एक फोनिक स्पिरिट होगी। ओसीके कहता है कि मैंने एक स्टोरी सुनी है, जिसमें 300 साल पहले पूरे दोउलुओ कॉन्टिनेंट में फाइट हुई थी, उसमें एक आदमी की स्पिरिट फोनिक्स थी। चीफ कहता है कि हम उसी आदमी के वंशज हैं, पर टाइम के साथ हमारी स्पिरिट फोनिक स्पिरिट में चेंज होना बंद हो गई, पर अब हमारी एकमात्र होप होंगजुन है। मैंने कुछ मेडिसिन की हेल्प से स्पिरिट म्यूटेशन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। टांगसन कहता है कि इसका मतलब ये है कि होंगजुन के फादर अपने आप इस परछाई में नहीं बदले थे। इस पर चीफ कहता है कि वो मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, मैंने ही उसे ऐसा बनाया था, क्योंकि होंगजुन ही फियोनिक स्पिरिट में चेंज हो सकता है। टांगसन पूछता है कि ये परछाई तुम पर अटैक क्यों नहीं करती है। चीफ कहता है कि ये मेरे मेडिसिन के कंट्रोल में है, इस कारण ये वही करेगा जो मैं इससे कहूँगा। टांगसन उसे म्यूटेशन बनाने से मना करता है तो चीफ कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। अब होंगजुन उस मुर्गी को टच करता है, जिसके बाद उसके पास दो येलो स्पिरिट रिंग्स आ जाती है। चीफ होंगजुन से कहता है कि ये सब लोग तुम्हारे फादर को पकड़ना चाहते हैं। यह सुनकर होंगजुन अपने स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है और उन सब पर अटैक करने लगता है। ये सब लोग उससे फाइट करते हैं, पर इस टाइम होंगजुन का पावर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। गाइज, फियोनिक्स बर्ड के बारे में मैं आपको बता दूँ कि चाइनीज और ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार ये एक ऐसा पक्षी है जो कभी नहीं मरता, इस कारण इसे अमर पक्षी भी कहते हैं।
यह फायर और वाटर को कंट्रोल कर सकता है और सारे क्रीचर में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब क्योंकि होंगजुन की स्पिरिट एक फोनिक्स होती है, इस कारण वो इन सबको हरा देता है। फाइट के टाइम होंगजुन और वो परछाई दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं, जिस कारण वो डायमेंशन गायब होने लगता है। थोड़े टाइम बाद अपने ज्यादा पावर लेवल के कारण होंगजुन बेहोश हो जाता है। उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें उसके फादर उसे अपनी सारी पावर और यादें दे देते हैं। होंगजुन को होश आता है तो वो चीफ से कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुमने ही मेरे फादर को परछाई बनाया था, तुमने उनको बहुत टॉर्चर किया है। चीफ कहता है कि मैं बस तुम्हारी स्पिरिट को जगाना चाहता था। होंगजुन कहता है कि तुमने मेरी स्पिरिट के लिए मेरे फादर को मार दिया, अब तुम्हें मैं अपनी स्पिरिट दिखाता हूँ। वो चीफ पर अटैक करता है लेकिन टांगसन उसे बचा लेता है। होंगजुन वहाँ सब कुछ जलाने लगता है, तभी हेडमास्टर वहाँ आता है और होंगजुन पर अटैक करके सबको बचा लेता है। टांगसन हेडमास्टर से होंगजुन को बचाने का कहता है। हेडमास्टर कहता है कि होंगजुन को बचाने के दो तरीके हैं, पहला कि होंगजुन अपनी स्पिरिट को खुद कंट्रोल करे और दूसरा कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो हमें उसे मारना होगा। टांगसन कहता है कि मैं उसकी स्पिरिट कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करूंगा। वो होंगजुन के पास जाकर उसे अपनी स्पिरिट कंट्रोल करने का कहता है। होंगजुन बहुत एंग्री होता है और कहता है कि इन सब ने मेरे फादर को मारा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे पूरा विलेज ही जल जाए। टांगसन कहता है कि तुम्हारे फादर ने अपनी स्पिरिट तुम्हें दे दी जिससे तुम एक अच्छी लाइफ जी सको, अब अगर तुम सब लोगों को मारोगे तो तुम्हारे फादर ने जो भी सेक्रीफाइस किए हैं वो सब बेकार जाएंगे। इस पर होंगजुन अपने स्पिरिट को कंट्रोल करता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी ओसी के उन पर पानी फेंकता है और कहता है कि मैंने होंगजुन की स्पिरिट को कंट्रोल कर दिया। आगे ये सब लोग चीफ को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने म्यूटेशन कैसे बनाया। चीफ कहता है कि मैंने एक ड्रग की हेल्प से म्यूटेशन बनाया था, ये ड्रग सारे विलेज वालों के पास है, इसमें हम अपनी पूर्वजों की स्पिरिट को ले सकते हैं। टांगसन उस ड्रग को देने वाले का नाम पूछता है तो चीफ उसका नाम बू ली बताता है। टांगसन कहता है कि उसने इस ड्रग के बदले में तुमसे और भी कुछ कहा था। चीफ कहता है कि उसने कहा था कि अगर कोई म्यूटेशन बन जाए तो उसे बैटल स्पिरिट ग्राउंड में भेज दिया जाए। उसने ये ड्रग सिर्फ इस विलेज को नहीं बल्कि कई और विलेज को भी दिया है। यह सुनकर बाई कहता है कि हम उसे सुओतुओ सिटी के स्पिरिट एरेना में ढूंढ सकते हैं। इस पर चीफ कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर कोई स्पिरिट बहुत पावरफुल होगी तो ही वो उसे देखने वहाँ आएगा। अब टांगसन वो ड्रग होंगजुन को देता है, तभी वहाँ लियेना आती है और कहती है कि ये ड्रग तुम मुझे दे दो, इसके बदले में स्पिरिट हॉल तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देगा। टांगसन कहता है कि ये ड्रग तुम्हें क्यों चाहिए। इस पर लियेना कहती है कि स्पिरिट हॉल इस पर रिसर्च करेगा, हो सकता है हम इसका यूज कुछ अच्छे काम के लिए कर पाएं। होंगजुन कहता है कि मुझे ये ड्रग नहीं बेचना, इसके कारण ही मेरे फादर मारे गए थे, मैं किसी और के साथ भी ऐसा होता नहीं देखना चाहता। लियेना कहती है कि इसके बदले में स्पिरिट हॉल तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है। होंगजुन कहता है कि कोई भी चीज मेरे फादर को वापस नहीं ला सकती। आगे ये सब उस विलेज से बाहर आ जाते हैं जहाँ ग्रैंड मास्टर इनका इंतजार कर रहा होता है। शावू ग्रैंड मास्टर से कहती है कि आपकी थ्योरी गलत हो गई है, आपने कहा था कि स्पिरिट रिंग लेने के लिए स्पिरिट बीस्ट को मारना होता है, पर होंगजुन को उसकी स्पिरिट के साथ दो स्पिरिट रिंग्स भी मिली है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि यह थ्योरी गलत नहीं है, जरूर होंगजुन के पास पहले से ही दो स्पिरिट रिंग्स होगी। इस पर होंगजुन भी इस बात को कन्फर्म करता है और कहता है कि मेरी स्पिरिट आने से पहले ही मैंने दो स्पिरिट रिंग्स ले ली थी। टांगसन हेडमास्टर से कहता है कि क्या हम होंगजुन को भी अपने साथ अकेडमी ले जा सकते हैं। इस पर हेडमास्टर कहता है कि इसे एडमिशन फीस देनी होगी। होंगजुन कहता है कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मेरा तो घर भी जल चुका है। हेडमास्टर कहता है कि पहले तुम मेरी अकेडमी से स्पिरिट मास्टर बनोगे और जब तुम्हारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो तुम मुझे लौटा देना। यह सुनकर होंगजुन बहुत खुश होता है और हेडमास्टर के साथ चलने के लिए मान जाता है। आगे होंगजुन ओसीके टांगसन और बाई के साथ उनके रूम में रहने आ जाता है। होंगजुन उनसे पूछता है कि ये अकेडमी विलेज में क्यों है। इस पर ओसीके कहता है कि हमारी अकेडमी यहाँ के सारे विलेजर्स की हेल्प करती है। तभी हेडमास्टर कुछ सामान लेकर आता है और होंगजुन को देता है। वो टांगसन को अपने साथ ग्रैंड मास्टर के पास चलने का कहता है। अब ओसीके होंगजुन से कहता है कि जब तुम्हारी स्पिरिट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी तब मैंने पानी डालकर तुम्हारी हेल्प की थी। बाई कहता है कि इसकी स्पिरिट फोनिक्स है, तुम्हारी एक बाल्टी पानी से इसकी आग बुझना नामुमकिन है, होंगजुन ने अपनी स्पिरिट अपने आप कंट्रोल की थी। इधर टांगसन और शावू ग्रैंड मास्टर के पास आते हैं। ग्रैंड मास्टर उन्हें होंगजुन पर नजर रखने को कहता है क्योंकि उसकी स्पिरिट अभी भी कंट्रोल में नहीं थी। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर उन्हें लियेना से भी दूर रहने को कहता है क्योंकि वो स्पिरिट होल से थी। शावू यहाँ बाई और चिंग की मैरिज के बारे में बताने लगती है लेकिन टांगसन उसे लेकर वहां से बाहर आ जाता है। वेल, टांगसन नहीं चाहता था कि बाई के मैरिज के बारे में सभी को पता चले। अब ओसीके और होंगजुन एक साथ कपड़े धो रहे होते हैं। ओसीके होंगजुन से कहता है कि मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है,
क्या तुम्हें एक्टिंग करनी आती है? होंगजुन कहता है कि मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब यहाँ एक और स्टूडेंट आती है जो उसी के से श्रेक अकेडमी के बारे में पूछती है। उसी के तो बस उसे एक टक देखे ही जा रहा था, तभी होंगजुन की स्पिरिट फिर से बाहर आ जाती है। भाई उस पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। ग्रैंड मास्टर और हेडमास्टर उसे उसके रूम में लाते हैं और बाकी लड़कों से उसका ध्यान रखने को कहते हैं। अब हेडमास्टर उस नई स्टूडेंट के पास आता है, इसका नाम रोरोंग होता है। रोरोंग एक लेटर हेडमास्टर को देती है और एडमिशन देने का कहती है। हेडमास्टर लेटर पढ़कर एडमिशन देने से मना कर देता है। इस पर रोरोंग कहती है कि मेरे फादर ने कहा था कि अगर आप मुझे एडमिशन दे देते हो तो आपका सारा उधार माफ़ कर दिया जाएगा। ये सुनकर हेडमास्टर उसे एडमिशन दे देता है। अब हेडमास्टर रोरोंग और ओसीके से 20 चक्कर दौड़ने को कहता है जिससे उनकी स्पिरिट कमज़ोर ना हो। वेल, रोरोंग और ओसीके की स्पिरिट एक टाइप की होती है। रोरोंग चक्कर लगाते टाइम सुओतुओ सिटी में शॉपिंग करने चली जाती है। अब ओसीके को भी उसका साथ देना पड़ता है। आगे शावू चिंग के पास आती है जो अपने जूतों को ठीक कर रही होती है। शावू उसे भाई से फाइट करने का कारण पूछती है तो चिंग कहती है कि मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग मेरा फ्यूचर डिसाइड करे। शावू भी हेडमास्टर को हराने का कहती है। चिंग उससे इसका कारण पूछती है तो शावू कहती है कि मैं हेडमास्टर को हराकर यहाँ के रूल चेंज करना चाहती हूँ जिससे मैं टांगसन के पास उसके रूम में जा सकती हूँ। चिंग कहती है कि तुम्हें लड़कों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पर शावू कहती है कि टांगसन बाकी सबसे अलग है। वो यहाँ चिंग को यह भी बता देती है कि लियेना यहाँ बाई के लिए आई है। ये सुनकर चिंग को थोड़ा बुरा लगता है। अब सारे स्टूडेंट की क्लास होती है जिसमें हेडमास्टर रोरोंग और ओसीके से फिर से 20 चक्कर लगाने को कहता है क्योंकि उन्होंने पहले के 20 चक्कर कंप्लीट करने की जगह शॉपिंग की थी। रोरोंग इसके लिए मना करती है तो हेडमास्टर कहता है कि यहाँ सब लोग तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ सारे स्टूडेंट अपने स्पिरिट और स्पिरिट रिंग्स के बारे में बताने लगते हैं। जब होंगजुन की बारी आती है और वो अपनी स्पिरिट दिखाने लगता है तो सब लोग उसे शांत होने को कहते हैं। वेल, ये काफ़ी फनी सीन होता है। इसी के साथ एपिसोड 11 और 12 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। सॉरी गाइज, आज आपको वॉइस में थोड़ा चेंज देखने को मिला है क्योंकि मुझे थोड़ी कोल्ड हो गई है। शे शे शोगान।